हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर को केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का पद मिलने पर ऊना में भाजपा कार्यकर्ताओं के चेहरे खिल उठे हैं। अनुराग की ताजपोशी को लेकर ऊना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी मौजूद रहे। सत्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिमंडल को बधाई दी। वहीं अनुराग ठाकुर के मंत्रिमंडल में शामिल होने से प्रदेश के विकास को गति मिलने की आशा व्यक्त की है। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर को केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का पद मिलने पर ऊना में भाजपा कार्यकर्ताओं के चेहरे खिल उठे हैं। अनुराग की ताजपोशी को लेकर ऊना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी मौजूद रहे। सत्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिमंडल को बधाई दी। वहीं अनुराग ठाकुर के मंत्रिमंडल में शामिल होने से प्रदेश के विकास को गति मिलने की आशा व्यक्त की है। केंद्र सरकार में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर को वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री बनने पर ऊना में भाजपा कार्यकर्ता गदगद हो गए हैं। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र को केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व मिलने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती सहित कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि अनुराग ठाकुर को वित्त विभाग मिलने से प्रदेश के आर्थिक हालातों में सुधार आएगा। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की दूसरी बार गवर्नमेंट बनने के बाद जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसके लिए मैं मोदी जी को और उनके सारे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और वहीं पर विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश को और विशेष रूप से हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे हमारे चौथी बार जीते हुए MP अनुराग ठाकुर जी को जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के मंत्री की जिम्मेवारी दी गई है उसके लिए हम अनुराग ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और वहीं पर नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने वित्त विभाग हिमाचल प्रदेश के MP के जिम्मे दिया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और हम उम्मीद रखते हैं कि अनुराग ठाकुर जी के मंत्री बनने के बाद हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश के लिए और पैसा आएगा और हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें और सुधार होगा, क्योंकि हमारे अपना प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई।